Okay, now class, listen. So today, yesterday we discussed about the structure of benzene, and there we thoroughly discussed that in spite of the presence of pi bonds in benzene, benzene does not behave like an unsaturated compound, but it behaves like a saturated compound because of the resonance present inside the benzene ring, because of the rotation of pi bonds in benzene. So that's why it is an exception in organic chemistry that benzene was the only organic compound which contain pi bonds, which contain double bonds, which contain unsaturation, but it behaves like a saturated and stable compound. So that's why today we will discuss about the chemical properties and chemical reactions of benzene. And after the chemical reactions, the chapter 7 will be closed. Okay. So there are very important chemical reactions of benzene. So benzene undergoes 4 types of reactions, like electrophilic substitution reaction, addition reactions, oxidation reactions, and side chain reactions. So in which the most famous one is the first one, electrophilic substitution reaction. In normal conditions, benzene undergoes substitution reactions, and second is addition reactions. Now you must be so much सरप्राइज टू नो दैट बेंजीन कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन एज वेल. अगरचे बेंजीन जो है वो सेचुरेटेड होता है, तो बेंजीन एडिशन रिएक्शंस किस तरह से करेगा? तो यहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशंस में जो रिएक्शन बेंजीन करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, और एब नॉर्मल कंडीशंस में अगर ये बेंजीन रिएक्शन करेगा तो उस सूरत में फिर वो एडिशन रिएक्शन करेगा जब हम कोई हाई टेम्परेचर या कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करेंगे. नॉर्मल कंडीशन पे कभी भी एडिशन नहीं करेगा. बहुत रेयर केसेस में बेंजीन कुछ एडिशन रिएक्शंस को करता है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वरना ज़्यादातर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करता है जो सबसे मेन पार्ट हमारा है, जिसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बस फर्स्ट पार्ट, तो यही पार्ट पढ़ना आज की क्लास का मकसद है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो व्हाट आर, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आप जानते हैं किसको हम कहते हैं. अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन किसी सब्स्टिट्यूएंट के साथ अगर सब्स्टिट्यूट हो जाए, रिप्लेस हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकेज से ऐसा होता है, पाई बॉन्ड को कुछ नहीं होता उसके अंदर. तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में फिर मैंने आपको बताया था 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक. अब अल्केन्स और जो मीथेन और इथेन जो अल्केन्स होते हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं बिकॉज वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी या डिफिशिएंसी नहीं होती है, जिसकी वजह से अल्केन्स मतलब मीथेन और इथेन वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं जो 3 स्टेप पर होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन. ठीक है, इसका टेस्ट हो चुका है, इसकी तैयारी कर चुके हैं, हम सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है. सेकेंड हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जब जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा जाकर वो सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल होगा, फ्री रेडिकल नहीं होगा. इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होगा, वो स्पीशी होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. वजह यह है कि जो बेंजीन होता है ना हमारे पास, बेंजीन हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी. ये जो बेंजीन हमारे पास है, बेंजीन हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, क्योंकि आप जानते हैं इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है. तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से बेंजीन समझ लो खुद ये क्या है, यहाँ पर ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है. तो जिसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो बेंजीन उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है अपना. तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत किसको होती है, इलेक्ट्रोफाइल को होती है जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होता है. तो यहाँ पर क्या होता है कि बेंजीन के साथ 6 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, 6 तरफ, इन 6 के 6 जगहों पर हाइड्रोजन मौजूद होते हैं. ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस हाइड्रोजन की जगह पर रिप्लेस हो जाता है, और जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, लीविंग ग्रुप उसको हम कहते हैं. सेम अल्केन में भी ऐसे ही होता था, कुछ लीविंग ग्रुप आ जाता था हमारे पास, फिर वो Cl से रिएक्शन करके HCl बना लेता था, इसमें भी किसी से रिएक्शन करके कुछ बना ही लेगा. बट यहाँ मैं आपको जनरल रिएक्शन एक बता रहा हूँ. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं. कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मतलब जो बेंजीन के लिए ख़ास है, मतलब बेंजीन का नाम जैसे जहन में आता है तो यही रिएक्शन जहन में आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. जैसे अल्केन्स जब भी जहन में आता है फ़ौरन से दिमाग में आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जब भी अल्कीन्स अल्काइंस जहन में आते हैं फ़ौरन से जहन में आते हैं एडिशन रिएक्शंस, चूँकि इथीन और इथाइन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस तो एडिशन रिएक्शंस है। हाँ, एक्सट्रीम केस में तो इथाइन भी सब्स्टिट्यूशन करता है, बट वो उसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस नहीं है, वो एक एक्सट्रीम केस पर कर जाता है कभी कभार, एसिडिक हाइड्रोजन जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, बेंजीन अंडरगो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चूँकि वो सैचुरेटेड नेचर का होता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूशन ही करेगा, एडिशन नहीं कर सकता। बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इस वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, न्यूक्लियोफिलिक या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। इस रिएक्शन में बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी एक इलेक्ट्रोफाइल से और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ पर, दिस इलेक्ट्रोफाइल कैन बी अ हैलोजिन, then it is will be called a halogenation reaction. This can be NO2 group, then it is called nitration. This can be SO3H group, then it is called sulfonation. This can be a radical, alkyl radical, so it is Friedel Craft alkylation. This can be a acyl radical, C double bond OR. This will be Friedel Craft acylation. तो इलेक्ट्रोफाइल चूँकि अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो हमने इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 5 सब टाइप, सब ब्रांचेस बना दिए हैं: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो एक एक करके हम इन तमाम जो है वो रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। और पेपर में ये 5 कभी भी नहीं आते, हर साल इसमें से कोई एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन में मैकेनिज्म लिखने के लिए। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। नाइट्रेशन बेंजीन की कैसे करते हैं, हैलोजिनेशन कैसे करते हैं, तो डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, बट टोटली 110% कॉन्सेप्चुअल। तो नो रटिफिकेशन इज देयर, जस्ट यू हैव टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग। बस में आ गए यहाँ तक? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैं आपको जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, इसके बाद मैं स्पेसिफाई करके 5 अलग अलग रिएक्शंस के लिए आपको मैकेनिज्म बताऊँगा। ठीक है, तो 3 स्टेप्स के मैकेनिज्म इसमें होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं इसके मैकेनिज्म के अंदर। जो पहला स्टेप होता है सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, स्टेप नंबर 1। And step 1 is the formation of electrophile. Electrophile की formation, चूँकि आप जानते हैं चाहे electrophile हो, चाहे nucleophile हो, चाहे free radical हो, ये आप direct market से ख़रीद कर नहीं ला सकते। ये radicals होते हैं, इनको during the reaction form करना पड़ता है, reaction के दौरान ये बनते हैं। तो होता है क्या है बच्चों के electrophile और nucleophile के बीच में एक bond बना हुआ होता है, और वो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है वो बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, यही न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और इस पर कभी कभार इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लगा देते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिया है। तो ये आपका बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड पहले टूटता है और इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हो जाती है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 2, दैट इज कॉल्ड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब किस तरह अटैक करता है इसको ज़रा, ये समझने वाली बात है कि दिस इज बेंजीन के यहाँ पर इसके पाई बॉन्ड्स मैंने शो कर दिए। ठीक है, और देन इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा, ई पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, पहली बार में इनिशियली तीनों में से कोई भी एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा, मैं पाई बॉन्ड तोड़ रहा हूँ अभी, सही है? तो अब आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड तो नहीं टूटता, ये तो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड टूटेगा स्टार्ट में, लेकिन रिएक्शन के आखिर में जब हम कोने पर जाएंगे, बोर्ड के उस किनारे पर मैं जाऊँगा लिखते लिखते, खुद ब खुद जुड़ भी जाएगा, अभी आप देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर कोई भी एक पाई बॉन्ड टूटे। अच्छा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तीनों में से कोई भी पाई बॉन्ड तोड़ सकते हैं आप। ऑल दिस 3 आर आइडेंटिकल पाई बॉन्ड्स, आइडेंटिकल एक जैसे। तो जैसे कि मैं ये पाई बॉन्ड तोड़ देता हूँ, ठीक है, जब मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूँगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन से मिला होगा ना ये बॉन्ड, तो ये दोनों में किसी एक जो है वो इसके पास चले जाएगा, ये बॉन्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन एटम के पास चले जाएंगे। लेट्स से कि मैं जो है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ दे दिया, मैंने इधर पर दे दिया, तो यहाँ पर जो चार्ज वो नेगेटिव क्रिएट हो गया और यहाँ पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पहले से एक हाइड्रोजन यहाँ पर जो है वो मौजूद था यकीनन। ठीक है, अच्छा, अब इधर पर, अच्छा इधर पे नहीं देता, इलेक्ट्रॉन इधर पर दे देता हूँ ताकि बेहतर लगे कि इलेक्ट्रॉन इधर में दे देता हूँ, और यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है आकर इधर पर इस पॉजिटिव पर जाकर अटैक कर लेगा। और जाकर जुड़ जाएगा नेगेटिव, है ना, चूँकि ये तो ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर है, नेगेटिव पर जाकर अटैक कर लेगा। और जब ये जाकर नेगेटिव पर अटैक करेगा तो इन दैट केस यहाँ पर एक तरफ ये हाइड्रोजन आ जाएगा, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड टूट गया है तो बॉन्ड बस यहाँ और यहाँ ये बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगी, पाई बॉन्ड को रोटेशन होगी जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। अब रेजोनेंस होगा यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, पाई बॉन्ड मूव करेंगे, ये वाला पाई बॉन्ड उठ के इधर पर आएगा, पहला पाई बॉन्ड मूव इस तरह करेगा तो नेक्स्ट। अच्छा ये जो है मैं रेजोनेंस आपको दिखा रहा हूँ होते हुए कि पाई बॉन्ड की रोटेशन किस तरह होगी। एक पाई बॉन्ड इधर आ गया पहला और पॉजिटिव चार्ज उठ कर नीचे इधर पर आ जाएगा जहाँ खाली जगह, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद देन आगे फिर फर्दर एक पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड मूव कर गया, फिर ये वाला पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड ये मूव करेगा दूसरी जानिब, ठीक है। तो ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है इधर से। तो यहाँ पर जब ये पाई बॉन्ड मूव किया इधर पर तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आ गया और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज आपका इस जानिब खाली जगह पर जनरेट हो गया। देन उसके बाद क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, अब ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, एक पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली देन क्या होगा कि यहाँ पर एट द एंड इधर पर एक पाई बॉन्ड, इधर पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक और बॉन्ड बना लेंगे और इधर पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाएगा और पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिर में दोबारा से जो है वो आपके पास पाई बॉन्ड दोबारा जुड़ गया। शुरू में टूटा था लेकिन एंड में दोबारा जुड़ गया, तो महसूस यही हो रहा है कि हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल आकर रिप्लेस हुआ है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ही महसूस हो रहा है अगर पहला और आखिरी रिएक्शन अगर आप चेक करो। अच्छा इसमें ये बीच में ये रेजोनेंस जो हो रही है यहाँ पर, जब भी बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें बॉन्ड की रोटेशन शो हो रही है। अगर आप बॉन्ड की रोटेशन को इस तरह से शो करना अगर आपको मुश्किल लगता है तो फिर आप इस तरह भी बॉन्ड की रोटेशन शो कर देते हैं कि आप बेंजीन रिंग बना लें, फिर ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये पॉजिटिव चार्ज जो इसके अंदर मौजूद है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम रहा है, पहले यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ, यूँ करके बना लें। सो इट इज़, ये एरो बन गया। दिस इज़ आल्सो द नोटेशन ऑफ दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये इसी को हम समराइज़ करके इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये स्टेप 2 में क्या होगा, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हाइड्रोजन की जगह वो आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और पहले जो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स होंगे आप देख सकते हैं एट द एंड वो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पर आ जाएंगे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। रेजोनेंस की वजह से पहले जहाँ था आप दूसरी जगह पर आ जाएगा वो, ठीक है। स्टेप 2 के बाद थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप होगा दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ H+। अब दो चीज़ें सिर्फ बची हुई जिन्होंने रिएक्शन नहीं किया, ये न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है जिसने अब तक रिएक्शन नहीं किया और ये H पॉजिटिव बचा हुआ है। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा H+ का विथ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो किस तरह से होगा कि H+ होगा और ये Nu- है, दोनों रिएक्शन करके H और Nu के बीच का एक बॉन्ड बन जाएगा और रिएक्शन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो हैलोजेनेशन हो, नाइट्रेशन हो, चाहे वो सल्फोनेशन हो, अल्काइलेशन हो, असाइलेशन हो, कोई भी रिएक्शन हो, वो इन्हीं 3 में स्टेप्स को फॉलो करता है। पहले फॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रोफाइल की, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, एक पाई बॉन्ड टूटता है, रेजोनेंस होती है, रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स की सूरत में, और देन आफ्टर ऑल हाइड्रोजन एट द एंड फाइनली जो है वो बाहर निकल जाता है। फिर जो बाहर निकला हुआ हाइड्रोजन होता है वो फर्स्ट स्टेप में बने हुए न्यूक्लियोफाइल से अटैक रिएक्शन करके एक बॉन्ड बना लेता है आपस में। आगे पसंद में फिर स्टार्टिंग द फर्स्ट electrophilic substitution reaction of benzene, that is halogenation of benzene, in which one hydrogen of benzene will be substituted by a halogen such as chlorine, bromine or iodine. हर वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन के हाइड्रोजन किसी हेलोजिन से रिप्लेस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन। और ये सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस में होगा तो एक हाइड्रोजन की जगह पर आकर ऐड होगा, अटैच होगा कौन, हेलोजिन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी बेंजीन रिंग है वो रिएक्शन करती है हेलोजिन के साथ, H2 किसी भी हेलोजिन के साथ रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, लेविस एसिड की मौजूदगी में। नाउ व्हाट इज द लेविस एसिड, लेविस एसिड किसे कहते हैं? अब जानते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में 3 कॉन्सेप्ट क्लास 9th में है। चैप्टर 9 में एसिड बेस एंड सॉल्ट में गिवन था सिंटेक्स की बुक में, ठीक है। तो एक आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था, एक लोरे ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट था और एक लेविस कॉन्सेप्ट था एसिड बेस का। आर्हेनियस साहब कहा करते थे कि हर वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर H+ आयन दे दे तो वो एसिड है, और हर वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर OH- आयन दे दे तो वो बेस है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। और ब्रोंस्टेड लोरी जो है वो प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट पेश करते थे। वो कहते थे हर वो सब्सटेंस जो जो प्रोटॉन डोनेट कर देता है, प्रोटॉन देने वाला स्पीशी होता है, वो क्या होता है, एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको याद आएगा, वो लेविस कॉन्सेप्ट था, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था। लेविस के मुताबिक हर वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता हो, वो एसिड होता है, और हर वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है तो वो बेस होता है लेविस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लेविस एसिड से मुराद क्या है, हर वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे, उसको हम कहते हैं लेविस एसिड। और यहाँ पर लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड ये रिएक्शन कराया जाता है, तो उससे हेलो बेंजीन बनता है और साथ में HX या हेलोजन एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब X तो एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, हम इसको स्पेसिफाई कर दें तो जैसे क्लोरिनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है, आयोडिनेशन हो सकता है। फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स विगोरस नेचर, हाईली रिएक्टिविटी की वजह से बस वो नहीं होता। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेंजीन के अंदर तो हेलो बेंजीन बन जाएगा। क्लोरीन के केस में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन के केस में ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, आयोडीन के केस में आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो मैं तीनों के तो नहीं, मैं सिर्फ एक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आज, क्लोरिनेशन को। वैसे ही आप घर जाकर ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि सेम होगा, बस Cl की जगह Br और Br की जगह I करना पड़ेगा आपको। तो मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से रिएक्शन होता है, किस तरह से बेंजीन में X जाकर अटैक होता है, लेविस एसिड का क्या काम होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रोफाइल की, इन विच द हेलोजन रिएक्ट्स विथ अ लेविस एसिड, AlX3 लेविस एसिड। तो यहाँ X की जगह Cl डाल दिया, AlCl3। यस यस, X2 की जगह भी यस, आई हैव टू डू दिस, Cl2 होगा। अच्छा, अब इसमें किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी, इसके लिए मुझे बॉन्ड को तोड़ के बताना पड़ेगा तो आपको अब ज़्यादा बेहतर तरह समझ में आए। फिर जो भी प्रोडक्ट बनेगा मैं ऊपर उसको यहाँ पर लिख दूंगा, आप पेपर में चाहो तो बस ये लाइन भी एक लिख सकते हैं, लेकिन मैं उसको डिटेल में बता देता हूँ पहले आपको, ठीक है। Cl2 है ना, दिस इज Cl, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो बॉन्डिंग होती है इसमें Cl के बीच में, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक एक बॉन्ड करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। देन AlCl3, एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में आप जानते हैं देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 3 तरफ से किसके साथ जुड़ जाएंगे, क्लोरीन के साथ, Cl, Cl एंड Cl, ठीक है। तो क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 7 हो गए और यहाँ पर 7 हो गए और यहाँ पर भी 7 हो गए, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पर, यहाँ पर भी हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगी। AlCl3 बन गया। सेंट्रल एटम यहाँ पर एल्यूमिनियम, इस वक्त एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं बॉन्डिंग के बाद, आफ्टर द बॉन्डिंग 6 दिख रहे हैं, 2 + 2 + 2, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, अभी इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसको लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिंस इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, इसी वजह से ये क्या कहला रहे हैं यहाँ पर, दिस विल बी कॉल्ड अ लेविस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा। अब यहाँ पर, अब ये AlCl3 है, एल्यूमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये यहाँ पर Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ से क्लेवेज होगा, टूटेगा। इससे पहले जब हमने Cl का बॉन्ड तोड़ा था क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन के अंदर, वहाँ मैंने फ्री रेडिकल जनरेट किए थे। वजह यह था कि सामने मौजूद था मीथेन जो नॉन पोलर नेचर का था, जो इलेक्ट्रॉन पेरासाइज हाइड्राइड था, इलेक्ट्रॉन पेरासाइज हाइड्राइड चैप्टर 2 हाइड्रोजन में मैंने उसको बताया था, कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन पेरासाइज से मुराद जिसमें इलेक्ट्रॉन ना ज़्यादा हो ना कम हो, बराबर हो, पेरासाइज हो। जैसे मीथेन में आप कार्बन चेक करो, कार्बन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना इसको इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है, पहले सॉक्टेट पूरा है। इसलिए Cl का जब बॉन्ड टूटा था तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए थे। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुई थी, पीछे के टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर दोनों पे 0-0 चार्ज मैंने बनाए थे, वहाँ पर मैंने फ्री रेडिकल को जनरेट किया था। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा। हमें एक ऐसा क्लोरीन चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा हो, जो इस एल्यूमिनियम को दे दे उठा के। तो अब जब बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन अपने पास ले लेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर और उसके ऊपर पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, है ना। आफ्टर द रिएक्शन समझो इस तरह से हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के पास इस तरह से आ जाएंगे, इसके पास से निकल गए, प्लस जनरेट हो गया एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर, और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। पार्शली हुआ भी, तो चूँकि पूरी तरह से तो नहीं लिया ना, अभी थोड़ा सा बॉन्ड बना होगा, तो पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। देन क्या होगा कि क्लोरीन ने अपना फिर इलेक्ट्रॉन पेयर वन साइडेड शेयरिंग के जरिए एल्यूमिनियम को दे दिया, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो Cl था उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन अगला AlCl3 था ना पहले, Al इधर पर क्लोरीन, इधर पर क्लोरीन, इधर पर क्लोरीन। अब यहाँ पर मैं बना दूंगा एक एरो, बिकॉज यहाँ पर अब हो रही है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, डेटिव बॉन्डिंग, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को उसको डोनेट कर रहा है। इसकी बहुत डिटेल डिस्कशन के लिए आप फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग का उसमें जाकर उसको पढ़ें घर पे जाकर, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं बता रहा बहुत ज़्यादा। तो Cl ने वन साइडेड शेयरिंग यहाँ पर कर ली, आखिरकार यहाँ से बॉन्ड बन गया। अब नेगेटिव चार्ज जो सिर्फ Cl पे था वो पूरा का पूरा AlCl पर आ जाएगा नेगेटिव। तो ये जो Cl पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ हमारे पास ना, दिस इज़ नॉट क्लोराइड नाउ। याद रखें केमिस्ट्री का रूल होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम IDE लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज जिस पर हो उसको हम IDE लगाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जब भी आता है तो हम यम लगाते हैं। तो क्लोराइड क्या होता है, Cl नेगेटिव इज क्लोराइड। अब चूंकि Cl पॉजिटिव है, पहली बार जिंदगी में आप देख रहे हैं Cl पॉजिटिव, सो दिस इज क्लोरीनियम, दिस इज क्लोरीनियम आइन। और यही क्लोरीनियम आइन आपका क्या है हमारा यहाँ पर, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, जो हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया है। तो इसी को तो अटैक करवाना है ना बेंजीन रिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया Cl प्लस और AlCl4 माइनस। आप पेपर में इतना लिख कर आओ, कोई नंबर नहीं कटने वाले आप पे। ये सिर्फ इसलिए कि ज़िंदगी में आगे कभी किसी को पढ़ाना हो, छोटे भाई बहन को कहीं जाकर आपको पता हो क्या रहा है, बन कैसे रहा है, वरना मसला नहीं है, ये टिपिकल है। अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग वीक है फर्स्ट ईयर के तो आप डायरेक्ट लिख लो, देयर इज़ नो इशू, ठीक है। बट हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए रिएक्शन का कैसे चलता है वो, ठीक है। ये आपका आगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हुई, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, जो कि मैं बता रहा था। तो पहले जो मैंने बताया था वो एक जनरल मैकेनिज्म था, अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड अलग अलग अंदाज में ब्रेक होता है। तो यहाँ पर इस तरह से ब्रेक हुआ है। स्टेप नंबर 1 के बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 जो हमारे पास है क्या चीज़ है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। यहाँ मैं अटैक ऑफ Cl प्लस लिख देता हूँ ऑन बेंजीन, तो यहाँ पर Cl प्लस हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। सो नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, एक बार फिर समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर से समझें कि ये बेंजीन रिंग है प्लस, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, Cl पॉजिटिव के साथ। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर पहले से मौजूद होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई भी पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, दोनों इलेक्ट्रॉन के सीधे कार्बन की जानिब इधर कर दिया, नेगेटिव जनरेट हो गया, पॉजिटिव जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर आकर अटैक कर लिया। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग कि बेंजीन रिंग आया, इधर से तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इधर पर बॉन्ड है, इधर पर बॉन्ड है, इधर प्लस चार्ज जनरेटेड है, इधर पर हाइड्रोजन आ गया और इधर पर एक जगह पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया Cl। अब यह आ गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, अब होगी यहाँ पर रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा, पाई बॉन्ड घूमेगा, दोनों पाई बॉन्ड, पहला पाई बॉन्ड इधर आएगा घूमकर, ठीक है। सो नाउ क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, नाउ हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस चार्ज उठ कर आ जाएगा यहाँ पर। देन फर्दर ये वाला पाई बॉन्ड घूम के इधर पर आएगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग कि एक पाई बॉन्ड इधर पर, एक पाई बॉन्ड इधर पर, इधर पर हाइड्रोजन, इधर पर क्लोरीन और प्लस चार्ज यहाँ पर। देन क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा माइनस प्लस के बीच में। तो अगेन पाई बॉन्ड दोबारा फॉर्मेशन हो जाएगी, पाई बॉन्ड की जैसे स्टार्ट में थी स्टेप 2 के, और यहाँ क्लोरीन अटैच हो गया और H प्लस बाहर निकल गया। ये आपके पास सब प्रोडक्ट आ गया जिसका नाम है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। नाउ इन द थर्ड स्टेप व्हाट विल हैपन इन द स्टेप 3 रिएक्शन ऑफ H प्लस विथ निक्लोफाइल। निक्लोफाइल यहाँ पर AlCl4 माइनस, ठीक है। तो H प्लस का रिएक्शन हुआ AlCl4 माइनस के साथ। एक H ने Cl से रिएक्शन कर लिया, HCl बन गया और AlCl3 बन गया। दो बातें यहाँ पर। अब देखो, तभी तो हम ओवरऑल रिएक्शन जब लिख रहे थे तो यहाँ पर HCl लिखा हुआ है, तो HCl एट द एंड जनरेट हो जा रहा है। तो ये वाला जो रिएक्शन मैंने लिखा ना यहाँ पर रेड कलर से, दिस इज कॉल्ड द ओवरऑल रिएक्शन। ये रिएक्शन की समरी होती है, खुलासा होता है। और ये नीचे इसकी जो है एक्सप्लेनेशन मैंने किया कि रिएक्शन किस तरह से हुआ। तो ये HCl एट द एंड बचा, तो वो जो बचा हमने यहाँ ओवरऑल रिएक्शन में लिख दिया। AlCl3 जो था वो कैटलिस्ट है। अब दूसरी बात मैंने आपको बताया था, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कैटलिस्ट के डेफिनेशन में हमने बचपन से याद किया होता है कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है। जबकि ये गलत डेफिनेशन होती है। Catalyst takes parts in the reaction, but at the end of the reaction, it will return back. Catalyst reaction में take part जरूर लेता है, लेकिन reaction के आखिर में आपको दोबारा वापस मिल जाता है। यहाँ पर देखें, AlCl3 ने reaction में take part लिया है ना, reaction में take part लिया, AlCl4 माइनस बनाए, लेकिन reaction में take part लेने के बाद at the end क्या हुआ, आपको AlCl3 दोबारा वापस हासिल हो गया है। इसी वजह से ना हम इसको राइट में लिख रहे हैं ना लेफ्ट में लिख रहे हैं, ना रिएक्टर में ना प्रोडक्ट में, बल्कि हम उसको ऊपर बीच में लिख रहे हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा लेता है लेकिन एंड में वापस मिल जाता है। केमिकली सेम होता है बट फिजिकली अलग होता है। अगर आप लैब में कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिला इस एक्सपेरिमेंट को करने का तो आप देखोगे कि AlCl3 वाइट कलर का होता है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, और जब हम इसकी हेलोजिनेशन कर लेते हैं तो इसका कलर जो है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ब्लैक हो जाता है। फिजिकली तो चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, लेकिन जो केमिकली है वो AlCl3 रहता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट। रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहा है बट फाइनली एंड में वापस मिल जा रहा है। बात समझ में आ रही है कैसे होता है हेलोजिनेशन बेंजीन के अंदर, किस तरह बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकलता है और हेलोजन रिप्लेस हो जाता है उसके अंदर जाके, ठीक है। अब हेलोजन में मैंने क्लोरीन बता दिया, ब्रोमीन आयोडीन आप खुद भी कर सकते हैं, बस जहाँ जहाँ Cl है वहाँ वहाँ Br कर देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखो बच्चे, सो फर्स्ट हमने डिस्कस किया अभी दैट इज हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। सेम इसी तरह से बाकी सारे इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, 5 तरह के हैं। तो सेकेंड भी मैं आपको बताता हूँ दैट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब नाइट्रेशन में क्या होगा कि बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन की जगह पर NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। तो वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन का एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाता है NO2 ग्रुप से और नाइट्रो बेंजीन बनाता है, इसी को हम कहते हैं नाइट्रेशन। जैसे ये यहाँ पर आपका बेंजीन है। अच्छा, यहाँ पर बेंजीन नाइट्रेशन करने के लिए किससे रिएक्शन करता है? 2 तरह के एसिड से रिएक्शन करता है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों ही कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं। दोनों एसिड से रिएक्शन मतलब बेंजीन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन और वाटर बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। सो दिस इज अवर ओवरऑल रिएक्शन। अभी ओवरऑल रिएक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से नाइट्रोनियम ग्रुप यहाँ पे निकलेगा और किस तरह से अटैक करेगा। स्टेप 1 सिर्फ अलग है, बाकी स्टेप 2 और 3 चूँकि मैंने मिटाया भी नहीं है तो बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है हेलोजिनेशन में, स्टेप 2-3 हो जाएगा। स्टेप 1 समझ लो ठीक से ज़रा, कि यहाँ पर याद रखो कि जो भी आपके पास चीज़ें बेंजीन के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाती हैं। जैसे Cl2 ने AlCl3 से रिएक्शन कर लिया था, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है पूरा का पूरा। तो HNO3 ये रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ। अब देखो किस तरह से इसमें इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी। बोथ द 2 कंपाउंड्स आर एसिड्स, देयर वुड बी नो न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होगी, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। दोनों ही एसिड्स हैं। फर्स्ट वन दिस इज कॉल्ड इन केमिस्ट्री नाइट्रिक एसिड, और ये आपके पास H2SO4, ये कहलाता है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेजाब। नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट याद रखें एसिड की जो स्ट्रेंथ है ना वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है, वो एक रिलेटिव वैल्यू है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है दोनों स्ट्रॉन्ग, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के मुकाबले में वीक है। भाई यहाँ पर इतने सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब इसमें से कुछ बच्चे टेस्ट में फुल मार्क्स लाते हैं, कुछ के नंबर कम आते हैं। अब जिसके लेट से जो है केमिस्ट्री में जो है वो 30 में से 15 मार्क्स आ गए, तो हम कहते हैं भाई वो बच्चा सही पढ़ता नहीं है, वो कंपैरेटिवली इन तमाम बच्चों से बुरा है। लेकिन अगर उसी बच्चों का हम उठाकर जो है वो भेज दें किसी मीरपुर खास के गाँव में या किसी ठट्टा बदीन दादू डिस्ट्रिक्ट में किसी गाँव में भेज दूँ, अब वहाँ पर भाई बच्चा जो 30 में से 15 ला रहे हैं ना, मोस्ट जीनियस स्टूडेंट कहलाएगा। लोग दूर दूर से उसको देखने के लिए आएंगे, यार इतना अच्छा, इतनी चीज़ें उसको आती हैं, उसको ये भी पता बेंजीन कैसे बनाते हैं। मतलब रिलेटिवली क्या हो जाएगा कि वो उन तमाम में फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एसिड की स्ट्रेंथ भी ऐसी है दोनों स्ट्रॉन्ग। यही नाइट्रिक एसिड जब खड़ा होगा सामने एसिटिक एसिड के, फॉर्मिक एसिड के, कार्बोनिक एसिड के, तो बिल्कुल अकड़ के खड़ा होगा, भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। वाकई में उन सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो सब तो बहुत वीक है, सिट्रिक एसिड वगैरह, टार्ट्रिक एसिड, ये सब, मैलिक एसिड वगैरह। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के मुकाबले में ये भीगी बिल्ली है, क्योंकि इसके मुकाबले में ये वीक है। तो इतनी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पर वीक लिखना चाह रहा हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग लिखना चाह रहा हूँ। कंपेरेटिव टू दिस, कतई ये मतलब नहीं कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एक वीक एसिड है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब दोनों जब साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये अपना एसिडिक, अब चूँकि ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो यहाँ पर ये अपना एसिडिक कैरेक्टर एक एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। अब ये यहाँ पर वीक पड़ गया तो इसके सामने ये एज अ बेस बिहेव करेगा, एसिड बिहेव नहीं करेगा। मतलब क्या होगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड अपना H+ निकाल देगा और नाइट्रिक एसिड एक बेस के तौर पर बिहेव करेगा तो अपना OH- निकाल देगा। ये H+ और OH- पर क्या होंगे, साथ में मिल जाएंगे और बन जाएगा वाटर। पहले तो वाटर बन जाएगा, फिर इसने अपना H+ निकाल दिया तो क्या बच गया, HSO4-, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट आइन भी कहते हैं। और इसने अपना OH- निकाल दिया तो क्या बच गया, NO2 चार्ज ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। वैसे NO2 होता है नाइट्राइट, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज लगा, NO2- होता है नाइट्राइट, NO2+ हमारे पास होता है कौन सा आइन, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आइन। अभी मैंने आपको बताया कि जब यम आ जाता है तो दैट इज पॉजिटिव आइन। ये बन गया आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल। हो गया जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, NO2+। किस तरह से कॉन्सेप्ट दिया, रट्टा मारने में मसला नहीं है, मार सकते, बट कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। अब क्या होगा कि स्टेप 2 में अटैक होगा, सेम वही काम, अब सिर्फ मैं मिटाऊंगा और कुछ नहीं करना। NO2+ होगा, ये अटैक कर लेगा, Cl के जगह पर NO2 आ जाएगा, बॉन्ड रोटेट करेगा, बॉन्ड की रोटेशन होगी, ये हाइड्रोजन आखिरकार बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर आकर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, कौन सा बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बन गया, नाइट्रो ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ। फिर ये H+ रिएक्शन किसके साथ करेगा, निक्लोफाइल के साथ। इस वक्त निक्लोफाइल क्या है, HSO4-, ठीक है, यस। तो क्या होगा, H+ रिएक्शन करेगा HSO4- के साथ, तो क्या बन जाएगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड, इस वजह से इसको मैरो के ऊपर लिख रहे हैं। रिएक्शन के स्टार्ट में यूज हुआ, एट द एंड वापस मिल गया। यहाँ पर फिर से एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, बट रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहा है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस हमें हासिल हो जा रहा है। सो दिस इज हियर, इट इज अ कैटलिस्ट। बात समझ में आ गई सारी, दैट्स